हर किसी का सुपना होता कि साडा ड्रीम बॉय इदा का हो। तुसी की चाहते हो कि थोड़ा ड्रीम बॉय कि बस मैम पेरेंट्स की रिस्पैक्ट करे अद्धे बोलते हाजिर हो जाए और की क्या बात है सरदार होना चाहिए था। क्या बात है सरदार मुंडे की पर्सनैलिटी अलग होंगी है ना तो पेरेंट्स की रिस्पैक्ट करे रिस्पैक्टिव केयरिंग भी हो एंड लाइफ पूरा ध्यान रखे क्या बात है पेरेंट्स की लाडली है तो भी लाडली हो मुंडा होदिया चलूगा मतलब उदा जो क्वालिटी की गल करिए ठीक है रिस्पैक्ट वगैरह ये सब कुछ कहते हैं होनी चाहिए ये भी फनी भी होना चाहिए मतलब थोड़ा ह्यूमरस वगैरह हो एज अ वाइफ की सब तो ज़्यादा डिमांडिंग टाइम दे दे सूट चाहिए सोने सोने कोई नहीं वो असं आप बना नहीं नहीं मैं तो चाहिए है भाई मैं सच्ची गल कहनी मैं तो चाहिए सूट वूट केयरिंग होवे मेनली तो बाकी अंडरस्टैंडिंग होवे सब तो वड्डी गल तो यह है बस बाकी जिदा तो करते लगते सपोर्टिव होना चाहिए मेरे लिए तो मतलब मेरे को लॉयल्टी मैटर करती है ज़्यादा तो मेरे लिए लॉयल होना चाहिए मेरे घर वालों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए मेन पैसा इतना मैटर नहीं करता मेरे लिए हाँ मतलब प्यार है तो ठीक है ना पैसा तो चलो कमा लेंगे। द सिटी हेडलाइंस देख रहे तमाम दर्शकों का मैं नेहा मलिक स्वागत कर दी हाँ तो हर आप गल करिए अज की यूथ की या फिर पिछले जमा टाइम की तो हर किसी का सुपना हों कि जो सा ड्रीम बॉय हो हसबेंड होए अंदर ये गुण जोड़े होने चाहिए जो साड़ी वाइफ हो खासियत जी होनी चाहिए तो अब आप लोगों गल करा गर्ल्स न गल करा कि उन्होंने किदा का उन्होंने ड्रीम बॉय जोड़ा चाहिए की खासियत आ जो कि होनी चाहिए है तो साढ़े ना दो कुड़ियाँ सोहनिया सोहनिया जी मौजूद ने। हैलो जी पहले तो ये दसो दोनों ब्लैक ब्लैक पाके आए हो सोच के आए हो मैचिंग आउटफिट बढ़िया लग रही है करके हूँ तो गर्मी भी चल गई है ना। अच्छा एक गल मैं पूछनी है हर किसी का सुपना होता कि साडा ड्रीम बॉय इदा का हो चाहते हो कि थोड़ा ड्रीम बॉय कि हो बस मैम पेरेंट्स की रिस्पैक्ट करे बस ते अद्धे बोलते हाजिर हो जाए और की क्या बात है एज अ वाइफ सब तो ज़्यादा की डिमांड करूँगी बस रिस्पैक्ट ही चाहिए अज की लाइफ तो रिस्पैक्ट सैल्फ रिस्पैक्ट ही मायने रखती है हाँ उही चाहिए है। अच्छा सब तो ज़्यादा जो होंगे ना कि हाँ कुड़ियाँ सब तो ज़्यादा डिमांडिंग होंदिया ने फिर की डिमांड है जो कि सब तो ज़्यादा रखनी है भी हाँ जो मेरे घर के पूरे करते थे तो तू भी पूरा कर डिमांड तो चलो इन्होंने लाडा ना रखा आ बस लाडा नाल ही रखे हाँ लगता अगे भी लाडा नाल ही रहोंगे तुहानू किदा दा थोड़ा ड्रीम बॉय है हसबेंड किदा दा होना चाहिए सरदार होना चाहिए था। क्या बात है सरदार मुंडे की पर्सनैलिटी अलग होंगी है ना तो पेरेंट्स की रिस्पैक्ट करे रिस्पैक्टिव केयरिंग भी होवे एंड लाइफ पूरा ध्यान रखे क्या बात है पेरेंट्स की लाडली है तो ओदी भी लाडली होवे आई होप क्या बात है। हां जी ते सब तो ज्यादा की डिमांड है जो कि रखोगे एज अ वाइफ नखरे चकदा होवे हां नखरे चकदा होवे पहले बोलते हाजिर होवे मेरे क्या बात है। इस तो अलावा होर की चाहिए कि होंगे ना कि कुड़ियों का ना स्पैशली अपने पेरेंट ना अपने पापा ना ज़्यादा लगाव होंगे है तो पापा की कौन सी क्वालिटी जो चाहते हो कि मेरे हसबेंड भी हो पापा की क्वालिटी मैंने यही सी मेरे पापा सरदार ने मैंने सरदार मुंडा ही पसंद से थानू एक्चुअली मेरे फादर नहीं है मेरे मैं चाहनी हाँ कि जिमें मेरे फादर ने मैनू प्यार दिता कि वह भी अगे मैनू प्यार मिले अपने जिवें घर च हो जाते कई इवेंट खुशी के माहौल गम वेले सुख वेले सारे वेले याद तो आती है फादर प्यो की जगह तो कोई ला ही नहीं सकता चाचा ताया कोई भी नहीं लै सकता प्यो तो प्यो ही होंगे क्या बात सो होर भी आप गर्ल्स ना गल करांगे। हेलो जी हेलो की हाल चाल है वधिया जी तुसी सुनाओ बहुत वधिया पहले तो यह दसो कि मेकअप ला के आए थे हूँ तो उतर भी गया की करिए गर्मी एड्डी है पहला लग्या भी थोड़ा मौसम ठीक है फिर धुप ने खराब ही करता मेकअप हाँ सही गल है लगता ना भी मौसम चेंज होना चाहिए बिल्कुल हूँ रब न चिट्ठी पाई आ जब देखते दे कदों जवाब आता क्या बात है क्या बात है। अच्छा सब तो पहला तो यह दसो अज आप गल कर रहे पेरेंट्स बारे है ना सब तो ज़्यादा अपने लाइफ पार्टनर के की क्वालिटी है जी चाहिए हर कुड़ी अपने पापा ना अपने ब्रदर ना बहुत ज़्यादा अटैच होंगी है थोड़ा की लगता कि थोड़े फादर साहब की कि क्वालिटी जो थोड़े हसबेंड आनी चाहिए मेरी गल मननी चाहिए है। अच्छा उस तो अलावा मतलब उदा जो क्वालिटी की गल करिए ठीक है रिस्पैक्ट वगैरह ये सब कुछ कहते हैं होनी चाहिए है भी मतलब फनी भी होना चाहिए मतलब थोड़ा ह्यूमरस वगैरह हो तो मतलब वही तो बेसिक आ जाती है ना भी वो तो होनी ही चाहिए है उस तो अलावा भी मतलब थोड़ा ह्यूमर वगैरह होना चाहिए भी समझदी सारा होना चाहिए मतलब किदा का मतलब किदा का हसबेंड चाहिए हले तक बिल्कुल नहीं चाहिए सरदार चाहिए कि बोलना चाहिए मुंडा होवे वधिया होवे चलूगा
लाइफ की सब तो ज्यादा डिमांडिंग रहोगी थोड़ी डिमांड रहोगी टाइम दे दे यही होंगे सब तो ज्यादा वाइफ से यही कंप्लेंट्स होंगे भी टाइम नहीं देता टाइम नहीं देता मुंडे से टाइम दे दें फिर कंप्लेंट्स ही नहीं हो लड़ाई लड़ूई ना हो उदी उन्होंने बड़ा मतलब चीज़ा नहीं चाहिए ठीक है भी हाँ भी कुछ चाहिए गिफ्ट्स वगैरह इधर की कुछ डिमांड नहीं है टाइम दे दे बहुत है टेंशन दे दे बहुत है क्या बात है सूट चाहिए सोने सोने कोई नहीं वो असं आपे बना लाँगे इदा तो कोई चक्कर नहीं है नहीं 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 मैंने तो चाहिए है भाई मैं सच्ची गल कहनी मैंने तो चाहिए सूट वूट सारा कुछ चाहिए बिल्कुल बिल्कुल विदाउट मेकअप कुड़ियाँ फिर इनकम्प्लीट है ना नहीं मतलब जे उदा विदाउट मेकअप ही उन्होंने पहले दिखाऊंगी अपने आप देख ला आ असलीयत आ और मेकअप मुकअप देख के पाया यार आ की आ भी ओही गल आ जाती ना भी फेस लॉक लाया तुसी मेकअप करके थानू पहचान नहीं दिया भी ओए आ की आ कौन है भी ठीक है पहले तुसी अपना नेचर मतलब जो असलीयत है पहले वो दिखाओ उस तो बाद फिर बाकी अगले की मर्जी है ओदे पे टेस्ट होगा अपना क्या बात है तुसी किद्दा दा मतलब की चाहते हो कि एज अ वाइफ थानू किद्दा दा हस्बैंड केयरिंग होवे मेनली तो बाकी अंडरस्टैंडिंग होवे सब तो वड्डी गल तो ये है तो बस बाकी जिदा तो करते लगते करदे पूरा ट्रस्ट है ना करदे तो पूरा ट्रस्ट है क्या बात है कि इदा दी क्वालिटी है जो तुसी थोड़े मतलब फादर साहब अंदर थोड़े ब्रदर अंदर है तो तुसी चाहते हो मेरा लाइफ पार्टनर होवे तो ओदे अंदर भी क्वालिटी होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंड वी मेरे ब्रदर तो मेरे पापा बहुत अंडरस्टैंडिंग ने मतलब कोई भी गल रिलेटेड ठीक है तो अजकल दे मॉडर्न जनरेशन से तो वैसे ही बहुत ने सो मैंने चाहिए भी मेरा पार्टनर भी बहुत अंडरस्टैंडिंग होवे नाल खड़े नाल होवे सपोर्टिव होवे कदों करा रहे हो भैया हले तो नहीं हले तो ऐश करांगे करावांगे कोई नहीं जो करते कहेंगे उन्होंने भी थोड़ा टाल लाँगे फिर जो एक एंड लिमिट आ जूगी उदो करा लाँगे सपोर्टिव होना चाहिए मेरे लिए तो मतलब मेरे को लॉयल्टी मैटर करती है ज़्यादा तो मेरे लिए लॉयल होना चाहिए मेरे घर वालों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए मेन बस और इतना कुछ नहीं पैसे नहीं चाहिए नहीं पैसा इतना मैटर नहीं करता मेरे लिए मतलब हाँ मतलब प्यार है तो ठीक है ना पैसा तो चलो कमा लेंगे क्या बात उसमें तो कोई मैटर वो तो कुछ नहीं है इतना चलो जी आप कुड़ियां ना गल कर ली है तो कुड़ियां जड़ियां ने बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होंदिया ने गल कहनी बिल्कुल ही सच है क्योंकि कुड़ियां सच्ची बिच बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होंदी हर किसी ने एक रिस्पैक्ट करन वाला जिहड़ा हसबेंड चाहिए जो बहुत ज़्यादा रिस्पैक्ट करे केयर करे तो थोनू की लगता थोड़े अकॉर्डिंग थोड़ा लाइफ पार्टनर किद्दां दा होना चाहिए अपनी राय जी जरूर दिओ होर इदां दी अपडेट्स लई साडे नाल बने रहो तो देखते रहो सिटी हेडलाइंस मैं ने अमल एक कैमरा परसन विपन बस्सी नाल